हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। गाइस, जा रहा हूँ ड्यूटी पे। कल ब्लॉग नहीं डाल पाया था, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और मज़े कीजिए। गाइस, ये है हुलूमाले का फेस वन, और जिस रास्ते से मैं आता जाता हूँ डेली, और अपना यही डेली का रूटीन है। रमज़ान का महीना चल रहा है, इसीलिए 10 बजे से ड्यूटी पे जाता हूँ मैं। और ईद देखिए, मे भी 10-11 को पड़ रहा है। आज मे भी 22वां रोज़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा रोज़ा मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह। और गाइस, बहुत तेज़ इधर धूप हो रहा है यार, बहुत तेज़ धूप हो रहा है। इतना तेज़ हो रहा है कि मतलब 1 किलोमीटर अगर आप पैदल चले जाएंगे ना, तो बहुत ही गर्मी से आप नहा लेंगे, मालूम है गाइस। और इधर बहुत ही अच्छा अच्छा मतलब पेड़ लगा दिए हैं, सब देख सकते हैं आप लोग। रोड के किनारे पेड़ लगा दिए हैं ताकि खूबसूरती बढ़े रोड की और लोगों को छाव भी मिले। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा हरियाली है यार, इधर बहुत ही खूबसूरत हरियाली है। देखिए, ये कोई एडिट नहीं है, जैसा है ना वैसा वीडियो इसमें आ रहा है गाइस। ये ओरिजिनल वीडियो मैं डालता हूँ इस पर। गाइस, आप लोग मालदीव आइए एक बार ज़रूर, में काम करने के लिए भी आइए तो बेहतर है। और आप लोग अगर घूमना चाहते हैं तो मालदीव आकर घूमिए, खूबसूरत कंट्री है। देखिए, आप लोग आइए जेन्युइन। मैं हर एक वीडियो में बात करता हूं कि आप लोग जब मालदीव आना चाहते हैं ना, तो जेन्युइन ऑफिस पे जाइए, जहाँ से अच्छा काम होता है वहाँ से आइए। हर एक काम है इधर मालदीव में, इतना काम है ना गाइस कि मैं क्या बताऊँ। हर एक किस्म का काम है इधर, लेबर से लेकर एक मतलब VIP वर्क तक है यहाँ पर। हर एक काम है इधर गाइस, आप लोग आइए और इधर काम कीजिए। गाइस, एक और बात बोल दूँ, अगर आप जेन्युइन ऑफिस आएंगे ना, तो आपको डरने की कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा सर्विस चार्ज भी नहीं लगता है, और आपको अच्छा वीज़ा भी मिल जाता है। मालदीव का वीज़ा का प्रोसेस 48 घंटा है गाइस, लेकिन ऑफिस वाले 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर में करा कर दे देते हैं सब, ये डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर। तो अभी देखिए, अभी भी वीज़ा का काम जारी है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, इधर मालदीव में 10 दिन का छुट्टी है ईद की वजह से, तो अभी तक मेरा अकाउंट भी नहीं खुला यार, अभी तक मेरा अकाउंट भी नहीं खुल पाया है। और अकाउंट नहीं खुलेगा तो भाई पैसे भी ट्रांसफ़र लेन देन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तक तो मेरा अकाउंट नहीं खुला है, क्योंकि अभी तक मैसेज नहीं आया। 10 दिन का छुट्टी है गाइस इसीलिए। और मैं भी आ गया हूँ इधर, देखिए मैं भी चल रहा हूँ। और इधर हुलूमाले फेस टू जाता है, देख लीजिए इधर इधर हुलूमाले फेस टू जाता है गाइस। और मैं भी चल रहा हूँ, देखिए गाइस, देखिए कितना खूबसूरत सीन है। देखिए, ये रोड बहुत ही खाली रहता है, और इधर बिल्डिंग सभी रेडी हो रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम होता है इधर। देखिए देखिए गाइस, ये रेडी है, उधर वाला रेडी हो रहा है, ये साइड वाला भी रेडी हो रहा है, और इधर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और ये स्टेडियम है अपना, और ये है खूबसूरत सीन, देखिए गाइस, लाजवाब है यार। और आप आना चाहते हो तो आओ, काम के लिए भी आओ। और देखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को माले जाने वाला हूँ मैं, टाइम मिलता है तो माले ज़रूर में जाऊँगा। क्रिकेट खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि टीम को ज्वाइन करना ज़रूरी है। अब देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को क्या होता है, माले जाता हूँ या क्रिकेट खेलने जाता हूँ। तो माले जाऊँगा तो थोड़े कंटेंट मिलेगा गाइस, मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा माले का भी सीन, खूबसूरती सीन, और बताऊंगा कि फेरी का टिकट कितना लगता है। तो मेरे ख्याल से तो 10-15 रुपये लगता होगा हुलूमाले से माले फेरी का टिकट। तो ज़रूर में जाएंगे इंशाल्लाह गाइस, और आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि मैं भी विजिट करना चाहता हूँ यार। और मैं भी, देखिए इतना गर्मी है ना, क्या बताऊँ, इधर देखिए देख रहे हैं गाइस,
इधर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, पूरा इतना साउंड आता है ना कि क्या बताऊं। देखिए ये पूरा इधर काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का गाइस, और इसी रोड से मैं आता जाता हूँ। देखिए आप लोग बोलते हो कंस्ट्रक्शन ना, देखिए ये कंस्ट्रक्शन का काम इसमें होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू एवरीवन।